नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल NRJ Finance पर। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एंजल ब्रोकिंग में जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पर स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस कैसे ऐड करने हैं और उनके फ्यूचर कैसे ऐड करने हैं। रिसेंटली जो जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में मेरा रेफरल URL यूज करके, मेरा रेफरल लिंक यूज करके डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उनसे कुछ मुझे क्वेरीज आई है कि कुछ लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स उसमें सर्च करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड फॉर अदर पीपल ऑल्सो हु आर ज्वाइनिंग एंजल ब्रोकिंग विथ समवन इल्स रेफरेंस एंड दे आर लुकिंग फॉर हाउ वी कैन एड फ्यूचर एंड ऑप्शन इन एंजल ब्रोकिंग, हाउ वी कैन ट्रेड, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस वीडियो। और पीपल हु स्टिल डोंट हैव एंजल ब्रोकिंग अकाउंट, दे कैन यूज माई रेफरल लिंक, दे कैन ओपन द अकाउंट। आप लोगों को यहाँ पे इसका एक बेनिफिट मिलेगा जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हो एंजल ब्रोकिंग में, वो भी जब मेरा रेफरल लिंक आप यूज करने के बाद। तो फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी जहां पर स्टॉक सजेशंस, चार्ट एनालिसिस, लर्निंग्स, वेबिनार, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहेंगी। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आते हैं। तो यहां पर सपोज आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर रखा है, नाउ यू वॉन्ट टू एड आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक, ओके आईसीआईसीआई बैंक आपको बस सर्च करना है। सर्च करते ही आपको जितना भी आईसीआईसीआई से रिलेटेड, मैं केवल आईसीआईसीआई केवल टाइप करूंगा तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे सजेशंस होंगे आपको दिख जाएंगे। मुझे आईसीआईसीआई बैंक चाहिए, मैंने ऐड कर लिया राइट। अब मुझे अगर इसको बाई करना है, सिंपल सा यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो भी क्वांटिटी है वो दे देंगे यहाँ पर, उसके बाद में जो प्राइस है वो आप लगा सकते हो और उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो। बाकी इस पे कई कैटेगरीज है, स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉप लॉस लगा दो, ऑर्डर टाइप डे करना है या IOC करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक के ऑप्शंस खरीद, जो कि यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सपोज मैं आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर देखना चाहता हूँ, ओके फ्यूचर पे मैं ट्रेड करूंगा। सो आईसीआईसीआई बैंक जब आप ट्राई करते हो, टाइप करते हो, तो वहां पे आपको दिख जाता है मई मंथ का, यानी 28 मई को जो एक्सपायर होने वाला है फ्यूचर वो लिस्टेड रहेगा यहाँ पर, जून का रहेगा और जुलाई का, नेक्स्ट 3 मंथ का आपका फ्यूचर आपको दिख जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का। मैंने इसको एड कर लिया। अब ये देखिए NFO करके आपको दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक NFO 28 मई 2020 राइट। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन डू बाई और सेल, सो दिस इज हाउ यू कैन एड फ्यूचर। अभी मुझको ऑप्शन ऐड करना है, कॉल या फिर पुट। और एक चीज है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन भी दिख जाता है, चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ में जब आप सपोज फ्यूचर ऐड कर रहे हो तो आपको दिखेगा ओपन प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, क्लोजिंग क्या थी लास्ट टाइम में, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, वॉल्यूम कितना है, OI टोटल OI कितना है, सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हो। सपोज मुझको आईसीआईसीआई बैंक का 360 वाला ऑप्शन चाहिए, ओके आई वॉन्ट टू बाई ऑप्शन ऑफ 360 और आई वॉन्ट टू सेल ऑप्शन ऑफ 370, सो हाउ आई विल डू, सिंपली आईसीआईसीआई बैंक I will type ICICI bank, okay? Then 360 I want to buy, right? केवल मैं 360 type करूंगा यहां पर तो मुझे क्या मिल जाएगा, मई का 360 वाला CE और साथ में PE भी सजेस्ट करेगा क्योंकि मैंने 360 केवल टाइप किया है, CE नहीं किया राइट। अब मुझे CE वाला चाहिए तो मैं वो ऐड कर लूंगा। सिमिलरली जून जुलाई के भी आपको यहां पर शो करेगा। अब मैंने इसको ऐड कर लिया। जब आप ऐड करते हो तो देखो NFO की लिस्ट में ही ये फ्यूचर था, NFO ये भी था, बट यहां पर मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर में, वी ऑल नो राइट। तो यहां पर केवल सिंपल आपको इस तरह से आ जाएगा, लेकिन जब ये कॉल और पुट यानी ऑप्शन होगा तो यहां पर आपको CE या PE लिखा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो, फिर यहां से बाई कर सकते हो, लिमिट लगा के बाई कीजिए या जैसे भी आपको बाई करना आप कर सकते हो। सिमिलरली आप मतलब इस तरह से आप इसको पर्टिकुलर यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन एड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यू कैन सर्च फ्यूचर एंड ऑप्शन इन स्टॉक। अब चलिए इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में सपोज निफ्टी, किसी को निफ्टी का इंडेक्स चाहिए तो निफ्टी में देखिए फ्यूचर तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, 20 मई का फ्यूचर राइट, देन जून का फ्यूचर। अब निफ्टी में मुझे क्या करना है, सिमिलरली आप बैंक निफ्टी भी अगर टाइप करते हो, निफ्टी बैंक, लेट मी टाइप बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए सजेशंस आ जाएंगे। ये तो फ्यूचर के सजेशंस हुए, आप कोई भी ऐड कर लीजिए। मैंने बैंक निफ्टी सपोज ऐड किया यहाँ पे, ठीक ये एडेड हो गया। अभी मुझको इस पे ऑप्शंस चाहिए राइट, कॉल एंड पुट्स, हाउ आई विल डू, सेम निफ्टी के लिए मैं करता हूँ निफ्टी 9500,
सिमिलरली मैं इसको टाइप करूंगा 9500 को, तो मुझे वीकली वाला आने लगेगा 14th मई का, या फिर उसके बाद में 21st मई का, या फिर उसके बाद में 28th मई का। तो इस तरह से आप इसको ऐड करके ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने ऐड कर दिया कॉल ऑप्शन, तो 14th मई का ऐड हो गया। अब यहाँ से आप इसको बाई सेल कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा जीरोधा में भी कैसे ऑप्शंस ट्रेड करते हो, ऑप्शंस क्या होता है वहां पे, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। वो ऑलरेडी मेरे पास वीडियो है, बस अपलोड करना था उसको। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड जो मैं डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस देता हूँ, स्टॉक एनालिसिस देता हूँ, वो भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल यहाँ जैसा देख पा रहे हो एनआरजी फाइनेंस, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके साथ में ट्विटर पे भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हो, तो सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो और कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा। सो हैप्पी वीकेंड।